Students, in previous class, we have discussed about indifference curves and uh, properties of indifference curves. Uh, at last, we have seen that uh, two indifference curves cannot intersect each other. Means, when two indifference curves intersect each other, then there may be a situation that uh, two indifference curves shows the same level of satisfaction. হুইচ ইজ নট পাছি হুইচ ইজ ইম্পচিভল ইন কেছ অফ একৰ্ডিং টু দ ইন ডিফেঞ্চ কপছ কনচেপ্ট একৰ্ডিং টু ইন ডিফেঞ্চ কপ এনাছিছ বিকজ ৱী লৰ্ন দেট ডিফৰট ইন ডিফেঞ্চ কপ্ছ গিফ ডিফৰট লেভেল অফ চেটিছফেকশ্যন মিন্স হায়াৰ লে অফ ইণ্ডিফেঞ্চ কপ্ছ গিফ্স হায়াৰ লে টিছিছফেকশন এণ্ড ল'ৱৰ লেভেল ওফিফেন্স কপছ গিফ্স ল' লে অফ চেটিছফেকশ্যন চ' ইট মিন্স फ टू इंडिफेंस कब्स इंटरसेक्टिंग इच अदर तो एक जो पॉइंट होगा जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट जो है आपको क्या होगा वो दोनों कब्ज पे लाइक करेगा इसका मतलब दोनों जो है दोनों कब्ज लाइक कर रहा है इसका मतलब दो कब्ज पे उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस पॉइंट को जो कि इम्पॉसिबल है जो पॉसिबल नहीं है सो दैट वी डिस्कस्ड नाव टूडे वी आर गोइंग डिस्कस बजट लाइन एडवाटेज बजट लाइन कंज्यूमर बजट एस्टेज द रियल इनकम और परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम विच ही सी कैन परचेज सर्टेन क्वान्टिटेटिव बंडल्स ऑफ टू गुड्स एट गिवेन प्राइस सो इट मीन्स कंज्यूमर बजट एस्टेस द रियल इनकम और परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम विच ही सी कैन परचेज सर्टेन क्वान्टिटेटिव बंडल्स ऑफ टू गुड्स एटेन प्राइस सो इट इज द परचेजिंग पावर एंड वी ऑल नो दैट पीपल स्पेंड अकॉर्डिंग टू द बजट बजट का मतलब हो गया कि उसके पास में कितना उसका परचेजिंग पावर है कितना उसके पास जो कैपेसिटी है कोई भी चीज़ को परचेज करने के लिए एट गिवेन इनकम एंड गिवेन प्राइस कोई भी कॉमोडिटी इसका प्राइस फिक्स है तो उसको ख़रीदने के लिए उसके पास कितना पावर है कितना इनकम है कितना नंबर ऑफ यूनिट्स वो ख़रीद सकता है उसको हम लोग बजट बोलते हैं सो so, फ्राम विच सी ही सी कैन परचेज सर्टेन क्वान्टिटेटिव बंडल्स ऑफ टू गुड्स एट एवन पाए तो यहाँ पर हम लोग दो गुड्स लिए हैं जो रियल लाइफ में जो बजट होता है उसमें आप सभी uh, जो कॉमोडिटीज हैं जो मोर देन वन और टू कॉमोडिटीज जो है उस पर हम लोग खर्च करते हैं लेकिन यहाँ जो है केवल दो लिया गया है क्योंकि यहाँ पे इन डिफ्रेंस कप्स हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसी की वजह से सो बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स तो बजट लाइन क्या होता है उसको देखना सो इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज विद गिवेन इनकम एंड प्राइसेस देखिए अब दो गुड्स को खरीदा जाएगा जो इनकम है उसको जो है दो गुड्स को खरीदने पे जो है खर्च करेगा तो कितना वो खरीद सकता है मान लो कि दो गुड्स जो है एक्स एंड वाई है कंज्यूमर जो खर्च कर रहा है वो दो गुड्स पे कर रहा है एक है एक्स और दूसरा है वाई दोनों पे खर्च कर रहा है तो कितना एक्स के खरीदने पर खर्च करेगा और कितना वाई को खरीदने पर खर्च करेगा यानी कि कितना एक्स वो खरीद सकता है और कितना वाई को खरीद सकता तो ये जो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो बनेगा तो वो जो है बजट लाइन उसको शो करेगा सो कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज विद गिवेन इनकम एंड प्राइसेज सच डैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दिज कम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दिज कम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इसका मतलब क्या हुआ जो कॉस्ट होना चाहिए जो आप खर्च कर रहे हैं तो उसको खरीदने में जो उसका जो कॉस्ट पड़ रहा है वो आपका इनकम के बराबर होना चाहिए क्योंकि बजट लाइन जो है वही रिप्रेजेंट करे बजट लाइन से बाहर जो है कॉम्बिनेशन नहीं जा सकता है कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास बीस रुपया है ऑरेंज और, और एप्पल आपको ख़रीदना है एप्पल का प्राइस है दस रुपया एक एप्पल का और एक ऑरेंज का प्राइस है दस रुपया तो यदि आप एक एप्पल और एक ऑरेंज आप ख़रीद रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बीस रुपया आपका खर्च हो गया आपके पास बीस रुपया ही था तो ये हुआ आपको बजट लाइन के अंदर में जो ये कम्बिनेशन हुआ ये बजट लाइन पे के अंदर में हुआ यानी कि बजट लाइन जितना आपका बजट है उसी के अनुसार हुआ आप, आपका हुआ ये उससे बाहर नहीं गया ये तो ये एग्जैक्टली exactly जो आपको शो कर रहा है कि बीस रुपया था तो आप जो है एक ऑरेंज दस रुपया का और एक एप्पल आप खरीदे लेकिन यदि क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि दो एप्पल खरीद सकते हैं और एक ऑरेंज ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो एप्पल का कीमत हो जाएगा बीस रुपया और एक एक एप्पल एक का एक ऑरेंज का हो जाएगा दस रुपया तो दो एप्पल का बीस प्लस एक ऑरेंज दस तो तीस रुपया हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका इनकम जो है बीस रुपया ही है तो इस यही चीज को ये बोल रहा है कि जो कॉस्ट होना चाहिए वो इनकम के बराबर होना चाहिए नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल द्वारा जिसको समझाया गया सपोज अ consumer हैज़ एन इनकम ऑफ फिफ्टी पचास रुपया है ही वॉन्ट्स टू स्पेंड इट ऑन टू commodities एक्स एंड वाई एंड बोथ आर priced at रुपीज ट्वेंटी फाइव इच कंज्यूमर के पास मान लो कि कंज्यूमर उसके पास पचास रुपया इनकम है और जो है वो दो कमोडिटीज़ पे जो है दो गुड्स पर वो खर्च करना चाह रहा है पैसा को एक है एक्स दूसरा है, है वाई और दोनों का जो कीमत है वो है पच्चीस रुपया पच्चीस रुपया एक्स का कीमत है और पच्चीस रुपया वाई का कीमत है नोट द कंज्यूमर हैज़ थ्री ऑप्शन टू स्पेंड हिज इंटायर इनकम बाय टू यूनिट्स ऑफ एक्स या तो केवल एक्स ही खरीदेगा वो ठीक है क्योंकि प्राइस जो है पच्चीस रुपया है तो यदि वो दो एक्स खरीदे दो एक्स खरीदेगा तो हो गया पचास रुपया इनकम के बराबर बाय टू यूनिट्स ऑफ वाई या फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि केवल वाई को खरीदे तो कितना वाई खरीद सकता है दो वाई को खरीद सकता है थर्ड है बाई वन यूनिट ऑफ एक्स एंड वन यूनिट ऑफ वाई तीसरा क्या उसके पास में कम्बिनेशन है एक एक्स खरीद सकता है और एक वाई खरीद सकता है इट मीन्स पॉसिबल बंडल्स कैन बी टू जीरो जीरो टू एंड वन और वन वन तो ये जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एक दो खरीदेगा दूसरा कुछ भी नहीं खरीदेगा पहला का एक यूनिट भी नहीं खरीदेगा दूसरा का जो है दो खरीदेगा और बराबर खरीदेगा एक एक दोनों खरीदेगा वेन ऑल दीज थ्री बंडल्स आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली वी गेट और डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टेट लाइन नॉन ऐज बजट लाइन इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्राइस लाइन ठीक है आप देखिए जब इसका इस कॉम्बिनेशन का आप एक ग्राफ को आप ड्रॉ करेंगे तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद जो है आप एक कर्व जो आपको मिलेगा एक लाइन आपको मिलेगा और उस लाइन को हम लोग बोलेंगे बजट लाइन या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइस लाइन ठीक है क्योंकि ये प्राइस को शो करता है तो बजट लाइन जो है ये जो आपको कॉम्बिनेशन है वो बजट लाइन के ऊपर में रहेगा ठीक है बजट लाइन के जो लाइन कर्व रहेगा उसके ऊपर में ये पॉइंट लाइज करेगा क्यों क्योंकि जो है फुलफिल कर रहा है किस चीज को फुलफिल कर रहा है तो जो बजट है जो इनकम है पचास रुपया उसको नो बजट सेट क्या होता है बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स हुई अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवेन हिज इनकम एंड प्राइसेस इन द मार्केट बजट सेट जो है वो सभी पॉसिबल कम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन जो फैमिली जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सभी का ग्रुप ऑफ द टू गुड्स दो गुड्स पर खर्च किया जा रहा है विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवेन हिज इनकम एंड प्राइस जो प्राइस दिया हुआ है दो गुड्स का और जो उसका इनकम है उसमें जो पॉसिबल कम्बिनेशन को वो खरीद सकता है वो सभी ग्रुप्स को वो सभी सेट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज बजट सेट सो इन एडिशन टू इन एडिशन टू थ्री ऑप्शन देयर आर सम मोर ऑप्शंस अवेलेबल टू द कंज्यूमर विद इन विद इन हिज इनकम इवेन इफ इंटर इनकम इज नॉट स्पेंड

एक को जो है एक्स को कुछ नहीं खरीदेगा एक यूनिट भी नहीं खरीदेगा और वाई का एक खरीदेगा या एक्स वाई दोनों का एक एक खरीदेगा तो ये सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है बन सकता है तो ये सभी जो है आपको बजट सेट में आएगा बजट सेट जो है ये सभी को इंडिकेट करता है बजट सेट में जो है बजट सेट का मतलब ये नहीं हुआ कि बस वही तीन जो है कॉम्बिनेशन था वही जो है आपको लाइज करेगा नहीं बजट में जो है ये सभी ऑप्शंस आ जाएगा जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सभी इसके अंदर में आ जाएगा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ बजट लाइन अब बजट लाइन का जो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं सपोज अ कंज्यूमर है जो बजट ऑफ रुपीज़ ट्वेंटी टू बी एस ऑन टू कॉमोडिटीज़ एप्पल्स ए एंड बनानस बी बीस रुपया है और उसको खर्च करना चाह रहा है दो कॉमोडिटीज़ पर एप्पल पे और बनानास पे इफ़ एप्पल इज प्राइस एट रुपीज़ फोर इंच एंड बनाना इज रुप टू इंच तो एप्पल का जो है एक एप्पल का जो प्राइस है वो है चार रुपया और एक बनाना का है दो रुपया देन द कंज्यूमर कैन डिटर्मिन द वेरियस कम्बिनेशन बंडल्स फिच फॉर्म द बजट लाइन तो क्या क्या कम्बिनेशन बन सकता है उसके पास बीस रुपया है एक एप्पल का कीमत है चार रुपया और एक बनाना कीमत है दो रुपया इसको माइंड में रखिए तो क्या क्या कम्बिनेशन बन सकता है बीस रुपया में क्या क्या चीज़ खरीद सकता है कितना एप्पल खरीद सकता है और कितना जो है बनाना खरीद सकता है उसको हम लोग देखते हैं ठीक ये देखिए पॉसिबल जो है कॉम्बिनेशन है ठीक है इसको हम लोग बजट सेट भी बोलेंगे यहाँ पे तो ये क्या क्या सेट है ई एफ जी एच आई जे इतना सारा पॉइंट जो है आपको है तो फर्स्ट एक कम्बिनेशन देखिए ई वाले कम्बिनेशन में देखिए क्या होता है फाइव एप्पल्स ले सकता है तो एक एक एप्पल का कीमत कितना है चार रुपया तो फाइव एप्पल्स का कितना हो गया फाइव इंटू फोर ट्वेंटी रुपीज़ तो उसका जितना भी इनकम था सभी खर्च हो गया अब उसके पास पैसा बचा ही नहीं है कि वो बनाना खरीदेगा तो इसलिए बनाना जो है ज़ीरो हो गया तो इसका कम्बिनेशन क्या हो गया तो इसका इनकम जो है कितना हो गया फाइव इंटू फोर प्लस जीरो इंटू टू यानी कि ट्वेंटी नेक्स्ट दूसरा कम्बिनेशन देखिए चार एप्पल एप्पल का जो है क्वांटिटी को कम कर दिया गया चार खरीदेगा तो चार खरीदेगा इसका मतलब कितना हो गया कीमत चार रुपया एक का तो फोर इंटू फोर रुपीज सिक्सटीन हो गया एप्पल पे ख़र्च कर रहा है बच गया दो रुप, चार रुपया बच गया तो दो बनाना ख़रीद रहा है टू इंटू टू फोर सो फोर इंटू फोर प्लस टू इंटू टू ट्वेंटी रुपीज़ हो गया तीसरा कॉम्बिनेशन देखिए जी कॉम्बिनेशन यहाँ पे थ्री एप्पल्स को खरीद रहा है तो थ्री एप्पल्स का कीमत कितना हो गया फोर इंटू थ्री ट्वेल्व और कितना बच गया आठ रुपया बच गया तो फोर इंटू रुपीज़ टू यानी कि एट तो थ्री इंटू फोर प्लस फोर इंटू टू इक्वल टू तो ट्वेंटी ठीक है एच में देखिए दो एप्पल्स ख़रीद रहा है आठ रुपया खर्च किया बच गया बारह रुपया तो छः बनाना ख़रीद रहा है क्योंकि एक बनाना कीमत है दो रुपया तो ट्वेल्व रुपीज़ हो गया ट्वेंटी हो गया तो ये जो है आपको वेरियस कॉम्बिनेशन है तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो बजट लाइन पे जो आपको जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें जो आपको ट्वेंटी होना चाहिए रुपीज़ ट्वेंटी जो है होना चाहिए क्योंकि ट्वेंटी उसका बजट है उसका इनकम है तो बजट लाइन पर जो भी पॉइंट लाइज करेगा उसको जो है आपको कॉस्ट उसका जो है आपको बजट के अनुसार होना चाहिए यानी कि ट्वेंटी है तो ट्वेंटी होना चाहिए इस कर्व को आप समझिए इस कर्व को देखिए ठीक है ये अभी जो प्रीवियस स्लाइड हम लोग देखे ये वेरियस कॉम्बिनेशन है ई जहाँ पे केवल एप्पल खरीद रहा था पांच एप्पल खरीद रहा है फाइव एप्पल्स को खरीद रहा है लेकिन बनाना कितना खरीद रहा है जीरो खरीद रहा है ठीक है उसी तरह से ऐप पे जो है चार एप्पल को खरीद रहा है और बनाना कितना खरीद रहा है आपको यहाँ पे दिखा रहा है दो खरीद रहा है तो इस तरह से बढ़ते जा रहा है जब सभी पॉइंट्स को हम लोग इंडिकेट करने के बाद जब सबको हम लोग मिला दिए तो इस तरह से हम लोग का जो है एक कर बने एक लाइन बन रहा है और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बजट लाइन बोलते हैं इस लाइन को क्या हम लोग बोलते हैं बजट लाइन बोलते हैं तो बजट लाइन के अंदर में जो पॉइंट डी हो गया पॉइंट डी इंडिकेट दैट इनकम इज इस अंडर स्पेंड मतलब खर्च को जो है सभी खर्च सभी इनकम को खर्च नहीं किया गया जो बीस रुपया था तो बीस का जो है कुछ बचा कर रख लिया गया और ये जो है पॉइंट सी जो ये अनएटनेबल कंबिनेशन यानी कि ये पॉसिबल नहीं है क्यों नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये जो है बजट लाइन से बाहर है सी पॉइंट जो है बजट लाइन से बाहर है तो इसके अंदर में ही जो है कोई पॉइंट लाइज कर सकता है या इस बजट लाइन पे जो है कोई पॉइंट लाइज कर सकता है कोई कम्बिनेशन लेकिन इससे बाहर जो है ऊपर में कोई पॉइंट लाइज नहीं कर सकता कोई कम्बिनेशन लाइज नहीं कर सकता है क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो जो अनएटनेबल है उतना इनकम जो है कंज्यूमर के पास में नहीं है सो दिस इज़ ऑल अबाउट बजट लाइन बजट से डैट टू बी डिस्कस टूडे थैंक यू